दोस्तों, इस वीडियो में हम लाला हरदयाल की लिखी गई बुक हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के बारे में बात करेंगे। लाला हरदयाल इंडिया में पैदा हुए। वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे जिसकी वजह से उन्हें काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक फ्रीडम फाइटर और एक रिवॉल्यूशनिस्ट थे। उन्हें 1910 में संस्कृत और इंडियन फिलॉसफी पढ़ाने के लिए अमेरिका बुलाया गया, जहां पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी को काफी प्रमोट किया। ऑथर का कहना है कि अगर आप इस किताब में लिखी गई सारी नॉलेज को अप्लाई कर लो तो आपको कोई और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने इस बुक को 1934 में लिखा था और आप इसे सारी सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी कह सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए इस बुक के कुछ लेसन्स के बारे में जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक बंदे की लाइफ के चार पार्ट्स होते हैं। अगर हम इन चारों पार्ट्स को इम्प्रूव कर लें तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इनमें से किसी भी एक पार्ट को इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ अधूरी रहेगी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से आप एक एक पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर वन, इंटेलेक्चुअल। साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 25 साल की उम्र के बाद रुक जाता है। बहुत से लोग इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं न्यू चीजें सीखने के लिए। वो कहते हैं कि उनके सीखने की उम्र निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ब्रेन प्लास्टिक होता है और किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। अब ये बात तो सही है कि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखने से आप अपने फील्ड में बेटर बन सकते हो। इससे आप सुपरस्टिशन से बाहर निकल पाते हो और सही और गलत में फर्क समझ पाते हो। सिर्फ यही नहीं, इससे आप ये भी समझ पाते हो कि किस बात को कहां पर अप्लाई करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कौन सी एडवाइस कहां पर अप्लाई नहीं होगी। बिना नॉलेज के हमारी लाइफ एक अंधे घोड़े की तरह होती है, जिसकी लगाम हमेशा किसी दूसरे के हाथ में होती है। वो बंदा हमें जिस भी डायरेक्शन में लेकर जाता है, हम बिना सोचे समझे उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम में से हर कोई अपने पेरेंट्स के रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें जो कुछ भी सिखाते हैं हम उसे बिना क्वेश्चन किए सीख लेते हैं। इस तरह से हम सालों से चले आ रहे अंधविश्वास को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतिहास में इन्हीं सुपरस्टिशंस की वजह से लोग काफी सारे अनएथिकल काम भी करते थे। रिलीजन और फेथ के नाम पर भी आज भी लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं और उनमें से बहुत से लोग वेल एजुकेटेड भी हैं। ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को पढ़ने से आप अपनी सोच में से अंधविश्वास को निकाल कर फेंक सकते हो। साथ ही आप ये जान सकते हो कि आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, खुद को हेल्दी कैसे रख सकते हो, दुनिया किस तरह से काम करती है और ह्यूमंस का रियल नेचर क्या होता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद आप अपनी लाइफ के हर दूसरे फील्ड में अच्छा कर पाओगे। नंबर टू, फिजिकल। कुछ लोग यूजुअली इस बात पर डिबेट करते हैं कि उन्हें नॉलेज इंप्रूव करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर हेल्थ पर। जो नॉलेज पर ज्यादा फोकस करते हैं वो कहते हैं कि अकल भैंस से बड़ी होती है, और जो हेल्थ पर फोकस करते हैं वो कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड का विकास हो सकता है। ऑथर के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें एक बराबर मायने रखती हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, एक फुलफिल्ड और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने के लिए आपको इन सारी चीजों पर काम करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक फील्ड को इग्नोर कर दोगे तो बाकी की चीजों में नंबर एक पर होने के बावजूद भी आप कभी भी फुलफिल्ड नहीं फील करोगे। ऑथर के अकॉर्डिंग एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको चार चीजों पर फोकस करना चाहिए। नंबर वन, एयर। दिन में कम से कम दो बार आप खुली हवा में सांस लेने बाहर निकलिए। आजकल शहरों में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि हमारी बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप एक घंटे के लिए किसी पार्क या बीच पर जाकर सांस लोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और आपका फोकस भी इंप्रूव होगा। नंबर टू, वाटर। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार गर्म पानी से नहाना चाहिए। साथ ही आप दिन में उतना ही पानी पीजिए जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पानी भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। थर्ड, सनलाइट। आज एक बंदा अपने रूम में सोकर उठता है, अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाता है, सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, कार से बैठकर वापस घर आता है और फिर अपने घर में पूरी शाम और पूरी रात बिता देता है। कोविड के बाद से तो लोगों ने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। इस वजह से जो उन्हें दिन में 15 मिनट की भी सनलाइट मिल जाया करती थी, अब वो नहीं मिलती। सनलाइट से आपकी बॉडी में ताजगी रहती है, आपको विटामिन डी मिलता है। आप में से बहुत से लोग सुबह उठते हैं और आधा टाइम उन्हें होश संभालने में लग जाते हैं। वो फ्रेश होने में और ब्रश करने के बाद भी उबासियां लेते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को जब तक सनलाइट नहीं मिलती है तब तक उसे ये फुली रियलाइज नहीं होता कि सुबह हो चुकी है और उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप ये बात तो जानते ही होंगे कि सनलाइट से आपकी बॉडी विटामिन डी बनाती है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आप में एनर्जी रहती है। तो रोज सुबह उठकर सनलाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर फोर है, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि हमने इससे पहले के पॉइंट में देखा, हम सुबह सोकर उठते हैं, कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में सारा दिन बैठते हैं, कार में बैठकर फिर से घर आ जाते हैं और पूरी शाम बैठकर टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं।
हमारी बॉडी एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं बनी है, हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। इसलिए आप मार्केट जाते वक्त बाइक का यूज ना करके पैदल ही जाने की कोशिश कीजिए, या कहीं दूर आपकी गाड़ी पार्क कर दीजिए, वहां से पैदल जाइए। आप लिफ्ट के लेने के बजाय स्टेयर्स का यूज करिए। आप रोज सुबह वॉक पर जाइए ताकि आपको फ्रेश एयर और सनलाइट भी मिल सके। साथ ही आप रोज 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। नंबर 3 है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब आर्ट से है। हमारी लाइफ में आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर्ट की हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल पाते हैं। इसके जरिए हम दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं। आर्ट में सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि म्यूजिक, सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स, पोएट्री, डांस, एसेस भी आते हैं। हर वो चीज जिसकी हेल्प से एक बंदा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है वो आर्ट है। बिना आर्ट के हमारी लाइफ बहुत फीकी फीकी सी रहेगी और हम अच्छी हेल्थ, इंटेलिजेंट कैपेसिटी और सक्सेस को इसके बिना पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप अब तक किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े नहीं हो तो कुछ ऐसा खोजिए जो आपको अच्छा लगता हो और उसे एंजॉय करना शुरू करिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप खुद से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो और अपने इमोशंस को म्यूजिक, पोएट्री या वीडियो के हेल्प से कन्वे करने की कोशिश करो। नंबर 4 है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है अपने स्किल्स पर काम करना। जहां इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में आप सिर्फ अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट में आप सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एटीट्यूड, माइंडसेट और सब कुछ। बिना इन सारी चीजों के आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप किसी तरह से सक्सेस तक पहुंच भी जाते हो तो आप कभी उसे संभाल कर रख नहीं पाओगे। सक्सेस एक बिल्डिंग की तरह नहीं है कि जिसे आपने खरीद लिया और वो हमेशा के लिए आपकी हो गई। वो एक किराए पर लिए गए रूम की तरह है जो आपके पास तभी तक रहेगा जब तक आप इसका किराया दे रहे हो। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, खुद को इम्प्रूव करना बंद कर दोगे, उस दिन आपको इस किराए के रूम से निकाल दिया जाएगा और फिर आप फिर से रोड पर आ जाओगे। इसलिए हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करते रहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि ऑथर ने अपनी बुक हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर में बताई हैं। तो आज से ही आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम आधे घंटे पर वॉक पर जाइए ताकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन और सनलाइट मिल सके। आर्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करिए और खुद को पहले से बेटर बनाने की कोशिश हमेशा करते रहिए। जैसे कि अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आप इनमें से किसी भी एक एरिया को इग्नोर कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिल जाने के बाद भी आपके पास हैप्पीनेस नहीं होगी। तो इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए यस आई विल कॉमेंट करना। अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है, इसे इग्नोर मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी टीम के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करना। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ 1000 से ज्यादा बुक्स आप सुन सकते हो बिना किसी एड के, और उसमें से 400 बुक्स तो फ्री हैं, तो आप वो जरूर सुनिए। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।